मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंत्रिपरिषद की आज बैठक होने वाली है। सीएमआर में ये बैठक होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में होगी। कोरोना संक्रमण की स्थिति, ब्लैक फंगस और टीकाकरण को लेकर के मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा होगी। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी दिनेश कसाना इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। दिनेश, एक महत्वपूर्ण बैठकों का जो एक तरीके से दौर जारी है, मैराथन बैठकें आए दिन प्रदेश में हो रही है, आज फिर से एक बार मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, क्या मुद्दे मुख्य तौर पर रहेंगे बताएं। बिल्कुल, देखिए जयती, मुख्य तौर पर मॉडिफाइड लॉकडाउन आज मंत्रिपरिषद की बैठक का अहम जो पॉइंट है वो रहेगा। मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर चर्चा होगी कि किस तरह से अब जो आगे है वो मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया जाए और किस तरह से और छूट दी जाए, क्योंकि जब तीन दिन पहले मंत्रिपरिषद की बैठक हुई तो इसमें भी इस बात को लेकर लंबी चर्चा हुई थी और उसके बाद तमाम जो मंत्री हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, उनको ये निर्देश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दिए गए थे कि सभी अपने प्रभार वाले जिलों में जाएं और वहां पर समीक्षा करें कोरोना की क्या स्थिति है, किस तरह से अब किस तरह के जो वायरस का जो संक्रमण है वो किस तरह से फैल रहा है लगातार, हालांकि पॉजिटिव केसेस कम हो रहे हैं, तो किस तरह की और छूट दी जा सकती है। तो ऐसे में तमाम मंत्रियों अपने अपने क्षेत्रों में गए और वहां पर फीडबैक लिया है, पूरी समीक्षा बैठक की है, तो उसको देखते हुए आज मंत्रिपरिषद की बैठक में इस बात को लेकर सभी मंत्रियों से अपने अपने प्रभार वाले जिलों का फीडबैक लिया जाएगा और उस फीडबैक के आधार पर ही जो मॉडिफाइड लॉकडाउन है उस पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी मंत्रियों से पूरा फीडबैक लेंगे और इसके साथ ही देखिए वैक्सीनेशन की गति को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है इसको लेकर भी मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा होगी। इसके साथ ही ब्लैक फंगस भी लगातार पांव पसार रहा है, तो ब्लैक फंगस के लगातार मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में वैक्सीन की लगातार कमी आ रही है, जो दवाएं हैं, इंजेक्शन है ब्लैक फंगस के, उनकी कमी है। कल भी मुंबई से स्पेशल हेलीकॉप्टर के जरिए ये दवाएं मंगवाई थी और आप इस बैठक में, मंत्रिपरिषद की बैठक में ब्लैक फंगस को लेकर भी चर्चा होगी। दिनेश, उसके अलावा जैसे आपने जिक्र किया, प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार का 18 से लेकर के 45 वर्ष तक के आयु वर्ग की जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है वो बहुत ज्यादा ढीली पड़ गई है। कई केंद्रों पे ताले लग चुके हैं, लेकिन लगातार बातें यही कही जा रही है कि केंद्र सरकार की ओर से जो अलॉटेड वैक्सीनेशन है उनके डोज पर्याप्त नहीं मिल पा रही, लेकिन ऐसे विकट समय में जब प्रदेश कोरोना से उभर ही रहा है, वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में चैलेंजिंग साबित हो सकती है, इसको लेकर के क्या फिलहाल तैयारी है सरकार की? देखिए, लगातार मुख्यमंत्री भी इस बात की मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार को पर्याप्त वैक्सीन देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जो अलॉटेड वैक्सीन है स्टेट की वो राज्य को नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में अब सीरम इंस्टीट्यूट के जरिए जो कोवैक्सीन मिली हो या फिर कोविशील्ड, दोनों को जो पर्याप्त उपलब्धता है उसके आधार पर टीकाकरण का कार्य चल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि टीकाकरण बहुत जल्दी होना चाहिए, क्योंकि चिकित्सा विशेषज्ञ तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं और तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा प्रभावित करने की आशंका है, तो ऐसे में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जिस तरह से तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है उससे पहले लगातार सबका टीकाकरण हो जाए, तो ऐसे में एक एहतियात के तौर पर इस तरह की बरती जाए। ऐसे में सरकार ने पहले भी प्रयास किए कि वैक्सीन की उपलब्धता के लिए ग्लोबल टेंडर किए जाएं और ग्लोबल टेंडर के लिए सरकार आगे बढ़ी, लेकिन ग्लोबल टेंडर के जरिए जो कंपनियां हैं उनकी रेटें बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो ऐसे में फिर केंद्र सरकार की ओर से मांग की गई, राज्य की ओर से कि लगातार मांग की जा रही है, मुख्यमंत्री भी मांग कर चुके हैं कि केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए, ग्लोबल टेंडर करने चाहिए और उसके जरिए राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध करवानी चाहिए, तो इसके लिए भी पिछले दिनों चिकित्सा मंत्री हैं रघु शर्मा, वो भी इस बात को कह चुके हैं, पहले भी मंत्रिपरिषद में चर्चा हुई है कि इसके लिए केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए और राज्य सरकार इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर करेगी और सुप्रीम कोर्ट के जरिए मांग करेगी कि केंद्र सरकार को निर्देशित करे सुप्रीम कोर्ट कि वो ग्लोबल टेंडर के जरिए राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध करवाए। जी चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्रिपरिषद की आज अहम बैठक, जिसके अंदर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई तमाम जो है मुद्दे हैं प्रदेश में, उन पर सभी पर चर्चा होगी।